लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ जबकि कोरबा में जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव मतदान के बिना ही संपन्न हो गए। सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का निर्वाचन पूरा हुआ। नव निर्वाचित अध्यक्ष और महामंत्री ने बताया कि निश्चित रूप से व्यापारियों के हित में चैंबर काम करेगा। व्यापार जगत की समस्याओं को हल करने के लिए प्रशासन के अधिकारी और चैंबर के अनुभवी सदस्यों का सहयोग लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व देने के मामले में कोरबा जिले का नाम आता है। उद्योगों के बाद इस मामले में बड़ी भूमिका यहां के व्यवसायी निभाते हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों को लंबे अंतराल के बाद बिना वोट डाले ही अपने पदाधिकारी प्राप्त हो गए। चैंबर के नव निर्वाचित अध्यक्ष योगेश जैन ने ग्रैंड एशिया न्यूज को बताया कि चुनाव की प्रक्रिया में गए बिना ही निर्वाचन पूरा हो गया, इससे अनावश्यक मनमुटाव जैसी स्थिति पेश नहीं आई। हमारी कोशिश होगी कि सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व चैंबर में हो और उसी स्तर से व्यापारियों की समस्याएं निराकृत हो। चुनाव की प्रक्रिया से बच के व्यापारियों ने जो एकता का परिचय दिया है, सबसे पहली तो हमारी ये जीत हुई कि हमारे मन में जो चुनाव के बाद थोड़ा बहुत भी मनमुटाव होता, उस मनमुटाव से हम सब बच गए और अब सारी टीम हमारे ऐसा योजना बना रहे हैं हम कि हमारी टीम में हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो जाए और हर क्षेत्र का जो हमारा पदाधिकारी रहेगा, उस क्षेत्र की जो भी समस्या रहेगी सबसे पहले वहीं के लोकल पदाधिकारी के पास पहुंचे और उसके माध्यम से उसका हल होए। एक एक क्षेत्र में और छोटी से छोटी समस्याओं को व्यापारी की जो भी समस्या रहेगी उसके हित में जो भी करना होगा हम सामंजस्य बना के करेंगे। योगेश जैन ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर को नई जगह पर शिफ्ट किया जाना है, वहां बेहतर व्यवस्थापन हो और एक्रोचमेंट जैसी परेशानी पेश ना आए, इसके लिए कोशिश होगी। ट्रांसपोर्ट नगर स्थापन की प्रक्रिया जारी है तो हम ये चाहेंगे कि जहां नया ट्रांसपोर्ट नगर जाने वाला है तो वहां पे व्यवस्थित रूप से सारी योजना बना के और जो छोटी मोटी समस्याएं, जैसे आप यहाँ पुराने ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में भी देखते होंगे कि पूरे जो पार्किंग एरिया है उसमें लोगों की पूरी गाड़ियां खड़ी हैं, कबाड़ था पड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से जो नया ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा तो वहां पे सब व्यवस्थित रहे और इस तरह से कोई इंक्रोचमेंट और सुविधाओं का अभाव ना हो, तो ऐसा पूरा प्रयास करेंगे। चैंबर के अध्यक्ष बताते हैं कि अलग अलग तरह के व्यवसाय से जुड़े सदस्यों की समस्याएं भी भिन्न भिन्न हैं, इसलिए इनका हल सार्थक हल तलाशने का काम समुचित रूप से किया जाएगा। अध्यक्ष ने चैंबर के 2300 सदस्यों से आह्वान किया कि वे व्यापारिक एकता को मजबूत बनाए रखें। जो अपना जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कोरबा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है और अभी फिलहाल में 2300 सदस्य हैं और मैं चाहूँगा कि इसमें और भी जो सदस्य बच गए हैं उनको भी इसमें जोड़ना है और व्यापारी एकता का परिचय देना है। जैसा कि अभी जो निर्विरोध रूप से चुनाव संपन्न हुआ है, ये हमारी व्यापारी एकता की ही जीत है और व्यापारियों से मैं यही संदेश देना चाहूँगा, आप सभी चैंबर से जुड़ें और सब मिल के एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित महामंत्री विनोद अग्रवाल ने जरूरत जताई है कि व्यापारी और आम लोगों के हित में रेलवे एवं बिजली से संबंधित सुविधा को दुरुस्त किया जाना चाहिए। इसी के साथ प्रशासन को उस वर्ग पर एक्शन लेना होगा जो बिना पंजीयन और GST दिए ही अल्पकालिक व्यवसाय करने के साथ नियमित रूप से सेवा दे रहे लोगों को चपत लगा रहे हैं। रायपुर जाना पड़ता है जिसके लिए ट्रेन की बहुत बड़ी अभाव है, या दूरस्थ कहीं और कहीं जाना हो, बड़े शहरों में जाना तो साधन का बहुत ज़्यादा अभाव है। उससे बड़ी समस्या तो रेलवे की है। अपन प्रयास करेंगे रेलवे के लिए बात करें रेलवे के अफसरों से और उसके लिए प्रयास करके कोई भी ट्रेनें जो हैं कम से कम नियमित रूप से चलाएं। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या कोरबा में जो व्यापारियों को आ रही है वो बिजली की आ रही है। बिजली बहुत ज़्यादा यहाँ पर गोल होती है जिससे व्यापारी बहुत दुखी रहता है। तो हम सबसे पहले हमारा पहला का प्रयास करेगा अध्यक्ष जिससे साथ मिलकर हम कमेटी बना के करेंगे कि ये बिजली समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। कोरबा में कई वर्षों तक चैंबर ऑफ कॉमर्स की कमान बड़े कारोबारी राम सिंह अग्रवाल के हाथों में रही, जिन्होंने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। अब की बार चैंबर की टीम में युवा चेहरे नजर आ रहे हैं, इसलिए व्यापारियों को नई टीम से ज्यादा अपेक्षाएं हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।